मेरा नाम अरविंदर कौर है। मैं मालवा सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वूमेन सिविल लाइंस लुधियाना की विद्यार्थन हाँ। मैं एमएड क्लास चौथे सेमेस्टर की विद्यार्थन हाँ। अज मैं तुहाडे सामने हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन बारे अपने विचार पेश करन जा रही हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर सिमरी है, गुरु तेग बहादुर सिमरी है, कानो निध्यावै ताए, सब थाई होए सहाए। हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखां दे नौवें गुरु सन। आप जी ने धर्म की खातर कुर्बानियां अते शहीदियां देने लई भारत विच एक नवी रूह पा दित्ती। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म श्री गुरु हरिगोबिंद साहब जी के घर माता नानकी जी की कुखों 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को अमृतसर विच होया। उन्हां दा बचपन अमृतसर विच ही बतीत होया। उन्हां दे बचपन का नाम त्यागमन सी। वह बचपन तो ही निरपै, अडोल अते बहादुर सन। उन्होंने पंजाबी भाषा, संस्कृत भाषा, ब्रिज भाषा, फारसी भाषा, गणित, दर्शन शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया। वह अपने पिता गुरु हरगोबिंद जी के नाल शिकार खेडन भी जाया करते सन। श्री गुरु हरिगोबिंद जी ने ही अपने पुत्र नूं शस्त्र विद्या विच निपुण किया। 11 साल की उम्र विच आप जी का ब्याह भाई लाल चंद की सपुत्री माता गुजरी जी नाल करतारपुर विच होया। कुछ साल वह अपने माता पिता जी नाल करतारपुर विच रहे। इस तो मगरों 10 साल तक वह कीरतपुर साहिब विच रहे। 13 साल की उम्र विच ही उन्होंने करतारपुर की लड़ाई विच मुगलों विरुद्ध अजिही तेग बाही कि श्री गुरु हरिगोबिंद जी ने उन्होंने त्यागमन तो तेग बहादुर आख के सन्मानिया। श्री गुरु हरिगोबिंद साहब जी के ज्योति जोत समाउन पिछों गुरगद्दी उन्हां दे पोते गुरु हरि राय साहिब जी नूं मिली। श्री गुरु तेग बहादुर जी बाबा बकाले आ गए अते इक भोरे विच ओह 36 साल प्रभु भगती विच लीन रहे। एक बारी मक्खन शाह लुबाने नां दा एक वपारी दा जहाज समुंदरी तूफान विच फस गया। मक्खन शाह लुबाने ने अरदास कीती कि सच्चे पातशाह, जेकर जहाज सही सलामत कंधे लग जावे तो वह 500 मोहरां गुरु चरणा च भेटा चढ़ावेगा। सो गुरु जी की कृपा ना वह जहाज सही सलामत कंधे लग गया। गुरु जी ने माखोवाल पिंड की सारी भूमि कैलूर के राजा दीप चंद को 1200 रुपए खरीद के 1665 ईस्वी में आनंदपुर साहब नाँ का शहर बसाया। 1665 ईस्वी में गुरु जी आनंदपुर साहब तो असाम वाल यात्रा लिए चले गए। वह कीरतपुर साहब, रोपड़, कैथल, दिल्ली, आगरा, मथुरा, कानपुर, बनासी आदि होंदे हुए 1666 ईस्वी में पत्नी आ गए। फिर 1666 ईस्वी में आप जी के घर एक सपुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम गोबिंद राय रखा गया। गोबिंद राय मगरों इन्हों का नाम गोबिंद सिंह रखा गया। 1671 ईस्वी में गुरु साहब जी पटना साहिब वापस आए और फिर आनंदपुर साहिब वापस चले गए। 1672 ईस्वी में मालवा की यात्रा वेले उन्होंने पटियाला, सरहंद, मानसा, बठिंडा, बरनाला आदि स्थानों पर जाके धर्म प्रचार किया। उन्होंने उत्थे मानवता की भलाई दे लई अपने विचार दिते। औरंगजेब के जुल्मों के शिकार हुए कश्मीरी पंडित कृपा राम की अगवाई हेठ अपनी फरियाद लैके गुरु जी को आए। उन्होंने गुरु जी ने अपनी बिथ्या सुनाई जिसनों सुन के गुरु जी बहुत चिंतावान होए। गोबिंद राय जी ने भी पिता जी को फिक्रमंद देख उन्हों की फिक्र का कारण पूछया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 11 नवंबर 1675 ईस्वी में चांदनी चौंक में शहीद कर दिता गया। आप जी ने हिंदू धर्म के तिलक जंजू की राखी लई अते मानवता की भलाई लई अपना शीस बा दिता। गुरु साहिब ने यह शब्द फरमाया, तिलक जंजू प्रभ ताका, किनो बदो कलू मै साका, साडन हेत इति जिन करी शीश दिया पसीना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पसीना दिया। दिल्ली चांदनी चौंक विखे जिस थान 11 नवंबर 1675 ईस्वी में गुरु साहब जी ने शीश दिता, उत्थे उन्हां दी याद विच गोदवा शीश गंज साहिब जो कि दिल्ली विखे सुशोभित है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कुल 59 शब्दों ते 57 श्लोकों की रचना की। उन्हां दी यह बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है जिसकी रचना 14 रागों विच की गई है। गुरु जी की बाणी का मूल विशा परमात्मा का नाम सिमरन करना अते मानवता की भलाई करना है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ, ਨਿਰਭੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੰਯਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ, ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ, ਨਿਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।